हेलो फ्रेंड्स, VFX मैजिक चैनल में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पार्टिकल इल्यूजन यूज़ करके आफ्टर इफेक्ट में कैसे हम लोग कोई भी लाइव फुटेज के ऊपर पार्टिकल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आफ्टर इफेक्ट का इंटरफेस। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक न्यू कंपोजिशन करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो पिक्सल है वो 1920/1080 है, ये है फुल HD। उसके बाद मुझे ओके हिट करेंगे, हमें ओके हिट करना है। और उसके बाद क्या करना है, कोई भी जो आपका फुटेज रहेगा जिसके ऊपर पार्टिकल इल्यूजन यूज़ करना है, तो उसको पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। तो फाइल में जाएंगे, उसके बाद इंपोर्ट में क्लिक करना है, उसके बाद फाइल सिलेक्ट करेंगे। तो ये मेरा एक फाइल है, तो इसके ऊपर आज हम लोग जो पार्टिकल इल्यूजन है वो यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके ऊपर, कॉम के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, लेकिन फर्स्ट फ्रेम मेरा यहाँ पे ब्लैक है, तो एक दो फ्रेम आगे जाके बस उसको जो टाइम लाइन है उसको सेट कर देंगे। तो यहाँ पे एक फुटेज है और यहाँ पे एक लड़की डांस कर रही है, तो पहले फुटेज देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ डांस कर रही है, तो इसके ऊपर ही आज पार्टिकल इल्यूजन जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। फुटेज काफ़ी लंबा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ ही फ्रेम जो स्टार्टिंग के कुछ फ्रेम्स है तो ये यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ तक, तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। उसके बाद मुझे एन प्रेस करना है जहाँ तक मुझे काम करना है, राइट। उसके बाद क्या है, सबसे पहले तो आपको पार्टिकल इल्यूजन आफ्टर इफेक्ट के लिए जो आता है उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है पार्टिकल इल्यूजन। तो जैसे कि यहाँ पे पार्टिकल मैंने टाइप किया, तो ये पार्टिकल इल्यूजन आ चुका है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपना फुटेज के ऊपर, तो यहाँ पे आ चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है। तो यहाँ पर नन है, तो यहाँ पे एमिटर चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएगा, तो सबसे एक पहले ऑप्शन हम लोग देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जो अपना पार्टिकल इल्यूजन का एमिटर है, तो कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ अगर मूव करना है अपने को, तो हमें इसको यहाँ पे मौका ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मौका ट्रैक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे कि मौका मोशन ट्रैकर है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ट्रैक कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है मौका मोशन ट्रैकर में, तो एक दूसरा ही विंडो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि एक सर्कल है, ठीक है, और दूसरा क्या है, एमिटर। तो एमिटर जो है, एमिटर ऑफसेट, तो एमिटर ऑफसेट के ऊपर ही जो अपना जो भी एमिटर हम लोग यूज करेंगे, तो वो एमिटर मूव करेगा। तो अभी सबसे पहले क्या किया, सबसे पहला फ्रेम तो मेरा ब्लैक है, तो फर्स्ट फ्रेम में नहीं जाएंगे, सेकंड फ्रेम में जाएंगे जहाँ पे अपना फुटेज दिख रहा है। तो उसके ऊपर जो अपना राउंड शेप है उसको मैं पोजीशन ऐसे कर दूंगा, उसको आप ऐसे छोटा या बड़ा कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा ऐसे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेट कर लिया। उसके बाद आता है यहाँ पर ट्रैकर का ऑप्शन, तो सबसे पहले देखते हैं ट्रैक मोशन ऑप्शंस। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तीन चीज़ें सिलेक्टेड है, एक है ट्रांजिशन स्केल, रोटेट स्क्यू एंड प्रस्पेक्टिव है। तो स्क्यू एंड प्रस्पेक्टिव मैंने अभी तक सिलेक्ट नहीं किया, और ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड भी नहीं है, तो ये ठीक है अभी के लिए। अगर आपका जो ट्रैक है ये सही नहीं हो रहा है, तो ये स्क्यू एंड प्रस्पेक्टिव भी सिलेक्ट करके देख सकते हो। तो अभी के लिए ये तीन जो ऑप्शन सिलेक्ट है, तो ये अपना फुटेज के लिए काफ़ी है। तो मैं क्या करूँगा, अभी फटाफट ट्रैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे बैकवर्ड या फॉरवर्ड यूज़ करके ही हमें ट्रैक करना है। तो पहले मैं ट्रैक कर लूँगा जितना तक ट्रैक होता है। तो देखिए अभी तक तो ट्रैक ठीक ठाक ही जा रहा है, तो देखते हैं आगे कितना फ्रेम तक हम लोग ट्रैक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अपना ट्रैकर थोड़ा सा बड़ा हो गया, राइट। तो फिर से मैं इसको ऐसे छोटा कर दूंगा, और फिर से इसको मुझे ट्रैक करना है। तो ये थोड़ा सा पोजीशन कर लिया मैंने, और फिर से मैं इसको ट्रैक करूंगा।
तो यहाँ पे फिर से ये थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, तो इसको फिर से मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा ऐसे, और फिर से मैं इसको ट्रैक करूँगा। तो इतना फ्रेम आई थिंक काफ़ी है अपने लिए, तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर दूँगा अभी। और अभी क्या हमें करना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि एमिटर ऑफसेट है राइट, तो फर्स्ट फ्रेम में फिर से हमें जाना है। तो ये जो एमिटर ऑफसेट है इसको अभी क्या करेंगे, इसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपना जो जिस पोजीशन में हमें एमिटर यूज़ करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हमें एमिटर यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा। तो अभी प्ले करके देखते हैं एमिटर सही जा रहा है कि नहीं। तो आप देख पा रहे कि एमिटर जो है वो काफ़ी ठीक ठाक जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एमिटर जो है उसको थोड़ा सा ऐसे ठीक कर सकते हैं। तो देखते हैं बाकी फ्रेम्स में। तो ये देखिए एमिटर भी काफी अच्छी तरह से चल रहा है अपने ऑब्जेक्ट के साथ जो चीज को हमें ट्रैक करना है। ठीक है, तो यहां तक हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, फाइल में जाना है और सेव प्रोजेक्ट करना है। और जैसे सेव प्रोजेक्ट क्या है, उसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो फाइल में जाके एग्जिट करना है। तो यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद सेकंड जो अपना ऑप्शन है तो वो है लेंस पार्टिकल इल्यूजन। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमें। तो यूजुअली क्या है, फुटेज जो रहता है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये पार्टिकल इल्यूजन का जो होम पेज है तो वो अपने आप वो पॉपअप होके आ जाता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि यूजुअली यहाँ पे फुटेज यहाँ पे शो करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन मेरा जो फुटेज है वो शो नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मेरा फाइल फॉर्मेट है वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो दूसरा आपके पास कुछ फाइल फॉर्मेट में रहेगा तो शायद यहाँ पे दिखा सकता है। तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे नहीं भी दिखा रहा है तो हम लोग इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एमिटर्स है, तो जैसे ही आप कोई भी एमिटर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये एमिटर कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा डेमो मिलेगा। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके ऊपर हमें देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे एक कर्सर मिलेगा, वो कर्सर आप यूज़ करके आप देख सकते हो कि कैसा इसको एनिमेट कर सकते हैं या कैसा इफेक्ट यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे सा टेल वाला ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए ये ब्लास्ट वाला है जो रॉकेट वॉकेट में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेगा, तो उनमें से मैं अभी यूज़ करूँगा यहाँ पे पिक्सी डस्ट। ठीक है, तो पिक्सी डस्ट भी यूज़ कर सकते हो, ये पिक्सी डस्ट मुझे पर्सनली अच्छा लगता है तो इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो और एक ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, तो ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है। और ऐसा टेल वाला कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं पिक्सी डस्ट यूज़ करूँगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पिक्सी डस्ट लिया तो देखिए ऐसा कुछ इफेक्ट हम लोग बना सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग ने ट्रैक कर चुके थे, तो सीधा ये विंडो के ऊपर बस क्लिक करना है। तो जैसे मैंने विंडो के ऊपर क्लिक किया, जो अपना एमिटर है ये स्नैप हो चुका है अपना जो हम लोग ने ट्रैक किया है उसके ऊपर। तो यहाँ पे तो फुटेज नहीं दिखा रहा, तो कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे अभी के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद ये क्लोज हो चुका है, और उसके बाद हम लोग फिर से मेन विंडो में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिर से फर्स्ट फ्रेम में जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेम में जाने के बाद एक बार प्ले करके देखते हैं। तो देखिए एमिटर जो था अपना जो ट्रैक था उसके साथ ही मूव कर रहा है, लेकिन हमें अभी फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे काफ़ी सारा चेंजेस करना है। अभी क्या करना है कि एमिटर का पोजीशन मान लीजिए कहीं पे सही नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना, थोड़ा सा जूम करना है यहाँ पे, और जूम करके देखेंगे कि कहाँ पे ये एमिटर सही नहीं हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्पेस बार दबा के प्रेस करके हम लोग फुटेज को थोड़ा सा पैन कर सकते हैं, और यहाँ पे देखेंगे कि अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि एमिटर सही नहीं जा रहा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एमिटर ऑफसेट है राइट, तो यहाँ पे आप की भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे की लगा दिया तो एमिटर जो था, तो एमिटर को हम लोग थोड़ा सा ऑफसेट कर सकते हैं राइट। तो अभी के लिए क्योंकि हम लोग एमिटर को ऑलरेडी ट्रैक किया है, तो इसके लिए ये एमिटर ऑफसेट जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट नहीं करेंगे तभी भी चलेगा। दूसरी बात है, अभी जो ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल को हम लोग को अगर ठीक करना है या चेंजेस करना है तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं।
तो यहाँ पे कहाँ मिलेगा, पार्टिकल प्रॉपर्टीज है, तो इसके अंदर जाएंगे, तो पार्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल लाइफ है, तो लाइफ अभी बाय डिफॉल्ट सभी 100 100 है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो देखिए ये थोड़ा सा लाइफ यहाँ पे बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है उसका, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। उसके बाद वेट, वेट थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो और नीचे तक ये जाएगा। और ऐसे हर एक जो चीज़ है तो उसको हम लोग छेड़ सकते हैं। तो साइज़ तो ठीक है, तो साइज़ बाय डिफॉल्ट 100 है तो 100 रख देंगे। अभी थोड़ा सा चेंजेस करने के बाद एक बार देखते हैं प्ले करके। तो देखिए दोस्तों, ये जो अपना एमिटर है ये कैरेक्टर के हैंड के साथ बहुत ही सही तरीके से ट्रैक हो चुका है, और ये देखिए हर जगह से बहुत ही सही तरीके से एमिट हो रहा है, राइट। तो ये अब पूरा अपना क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसा रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वैसे ही आप यहाँ से एमिटर का जो पैरामीटर्स है उसको चेंज करके आप देख सकते हो। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आज का वीडियो, और आज का वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करने के लिए ट्राई करूँगा। और आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।